Standing. हमारे बहुत ही सम्मानित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा के प्रभारी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद जी, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री अशोक तंवर जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सीएलपी लीडर श्रीमती किरण चौधरी जी, यहां मंचासीन हमारे सभी साथीगण, वक्त का अभाव है, मैं माफी चाहूंगी, सभी बहुत सम्माननीय हैं, सीनियर नेता हैं, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, जिंदल जी हैं, हमारे भाई दीपेंद्र जी हैं, हमारे सभी नेता लोग यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप सब की ओर से, समस्त हरियाणा की ओर से, पूरे यमुनानगर जिले की ओर से, हमारे बहुत ही सम्माननीय राहुल गांधी जी का पहली बार यहां इस यात्रा में हरियाणा में कदम रखते हुए बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम स्वागत। साथियों, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं थोड़ी सी बात कहूंगी। माननीय राहुल गांधी जी, आप जहां पर हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक जमीन है। प्राचीन काल से, आदि बद्री से लेकर महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, उनका आश्रम यहां माना जाता है। बुद्धा स्तूप के भी यहां पर अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग ने यहां पर खुदाई की है। अशोका, सम्राट अशोका के समय के यहां पर अवशेष हैं। बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक जमीन है ये। जगाधरी को कहा जाता है कि पहले युगांधरी नाम से कहा जाता था। बहुत प्राचीन शहर है। हमें बहुत खुशी है कि आप इस जमीन पर आए हैं। यहां पर अनेकों मंदिर, मस्जिद, दसवीं पातशाही का गुरुद्वारा, बहुत ऐतिहासिक जमीन है। और आपके समय, कांग्रेस के समय, इस पूरे क्षेत्र को भारत सरकार ने 25 करोड़ रुपया उसके डेवलपमेंट के लिए किया था। वो पैसा आज तक नहीं लग पाया है। माननीय राहुल गांधी जी, मैं आपके संज्ञान में 3-4 मुद्दे लाना चाहूंगी। यहां के लोकल बातें हैं, जरूरी है बताना। एक सबसे बड़ी बात जो हमारे इलाके की है वो ये है कि यहां से सारे लोग त्रस्त हैं। यहां पर अवैध खनन इतना व्यापक रूप से चल रहा है कि आप लोगों की पीड़ा को समझा नहीं सकते। और जो सरकार के लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी इसमें पूरी हिस्सेदारी मानी जाती है, ये सब जानते हैं। दिन प्रतिदिन सड़कें टूटती जा रही हैं, यहां का सारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ चुका है, इतना अवैध खनन हो रहा है, हर रोज यहां पर एक्सीडेंट होते हैं, कम से कम एक मौत हर रोज होती है, ये यहां का बुरा बदतर हाल हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी सरकार के समय, हमारे समय में यहां पर JNURM का करोड़ों रुपया आया था और लगा, लेकिन आज के दिन
वो पैसा ये खर्च तक नहीं कर पाए और ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नोटबंदी की बात कहना चाहूंगी कि जब से नोटबंदी हुई ये पूरा इलाका इंडस्ट्रियल इलाका है जगाधरी यमुनानगर का। यहाँ पर मेटल इंडस्ट्री, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मानी जाती है प्लाईवुड इंडस्ट्री, पेपर मिल, शुगर मिल, बहुत कुछ है। और जी कि नोटबंदी के कारण ही 40% जो छोटा हमारा उद्योग था वो आज तक त्रस्त पड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्लाईवुड इंडस्ट्री जिसका मैंने जिक्र किया, सबसे बड़ी इंडस्ट्री एशिया की यहां पर मानी जाती है। यहां पर 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वहां से 50,000 का रोजगार ही खत्म हो चुका है। जीएसटी का तो ये आलम है कि 18% जीएसटी है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने 2% मार्केट फीस भी कर दिया। इंडस्ट्री को मारने का पूरा इंतजाम हो चुका है। आप कृपया जीएसटी के बारे में जरूर यहां के लोगों को बताकर जाएंगे। यहां पर पॉपुलर की खेती है, बल्कि यूपी तक से पॉपुलर यहां पर आता है। पॉपुलर और सफेदा यहां पर उसका इस्तेमाल होता है, खपत होती है। 2006 में पॉपुलर और सफेदा को कृषि उत्पाद घोषित कर दिया था, उससे फायदा हुआ। लेकिन आज के दिन वन विभाग ने इन पर इतना कहर ढा रखा है, इतनी करप्शन है कि उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है। पॉपुलर की कीमत इस कदर गिर गई है आज के दिन, मुझे लगता है 150-200-250 से ऊपर नहीं है, हमारे टाइम में 1000 से ऊपर चला गया था। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है दादूपुर नलवी का। दादूपुर नलवी का यहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 225 गांवों को जो प्रभावित करता था और 1019 एकड़ जमीन जिसके तहत आती थी, डार्क जोन घोषित हो रहा था। लेकिन दादूपुर नलवी का प्रोजेक्ट हमारे समय में, कांग्रेस के समय में बनाया गया, हुड्डा साहब यहां पर हैं, लेकिन अब उसको उसका मुआवजा जब देने की बात आई, हमारे यहाँ के किसान जो आज तक यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, किसान अपना केस जीत गए सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आई तो ये सरकार पीछे हट गई और कहा कि हम तो इसको नोटिफाई करेंगे। अब ये कौन सा कानून है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा मान लिया, लेकिन ये सरकार कह रही है कि हम उसको डी नोटिफाई करेंगे। सरकार बहुत, हमारे किसान बहुत त्रस्त हैं। कृपया हमारी जब सरकार आए तो आप जरूर इसका हल निकालिएगा। सर, यमुना की बात होती है, प्रदूषण की बात होती है, प्रदूषण यहां से कितना यमुना का हो रहा है ये सब जानते हैं, लेकिन उसकी ओर इस सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। शुगर मिल है देश भर में, मैंने पार्लियामेंट में खुद कई बार सवाल पूछे, यहां पर किसानों को बार बार एजिटेशन करना पड़ता है, धरने पर बैठना पड़ता है, क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं होती, ना यहाँ की ना नारायणगढ़ की, समय से पेमेंट नहीं होती, करोड़ों करोड़ों रुपया किसान का बकाया होता है। आज किसान हर तरह से त्रस्त है। आपने किसान की बात उठाई है हमेशा। माननीय अध्यक्ष जी, राहुल जी, किसानों के बारे में आप जरूर यहाँ पर कुछ करिएगा, हमारे लोगों को जरूर बताइएगा। जहां तक की गरीब आदमी की बात है, इस सरकार ने गरीब आदमी को, वो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसकी कोई सुध नहीं ली है। गरीब आदमी का जो बुरा हाल आज के दिन हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। आप गरीबों के मसीहा हैं। जिस तरह से इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, सोनिया जी ने हमेशा गरीब की बात सुनी और उनको न जाने कितना रिलीफ पहुंचाया, आज देश भर के गरीब, दलित, शोषित वर्ग की नजरें आपके ऊपर टिकी हुई हैं। सारा गरीब इंसान आपकी ओर देख रहा है कि आपकी सरकार आए,
सारे लोग चाहते हैं। दोस्तों आप बताओ, आप सब बताइए, सभी लोग अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, सभी गरीबों को उनके लिए कुछ करेंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बातें बहुत ही आपसे माफी चाहूंगी। हमारे एक साथी हैं, कहाँ पे है अकरम खान, हमारे एक साथी हैं जो इनेलो में थे, अकरम खान। आज ये राहुल गांधी जी में आस्था व्यक्त करते हुए, कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।